पता नहीं वो फोन उठाएगी भी कि नहीं, और अगर उठा भी लिया तो पता नहीं साहब क्या मतलब निकालेगा उसको। ऐसा करते हैं, मेरे फोन से कॉल करते हैं। ना ही वो तुम्हारा नंबर देख के इग्नोर करेगी और ना ही कोई शक। हेलो हेलो ज़ारा जी, आप कौन? आपसे कोई बात करना चाहते हैं। जी हेलो हेलो, कौन? जैन। क्यों फोन किया है? कौन थी ये लड़की? हेना। हेलो ज़ारा। हाँ शादी कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? I mean, I have to believe it, no? Eventually यही होता है जैन। जब मिलने की रस्म पूरी नहीं होती तो बिछड़ने की रस्म पूरी करनी पड़ती है, तो जब बिछड़ जाते तो किसी और से शादी कर लेते हैं। नाम नहीं पूछोगी उसका? हिना, तुमने खुद ही बताया। कैसी है? प्यारी है ना? तस्वीर भेजो मुझे। तुम्हें बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? हम जो मोहब्बत के साथ करते हैं, मोहब्बत भी हमारे साथ वही करती है। मैंने शादी कर ली थी तो तुम पर भी वाजिब हो गया था कि तुम भी शादी कर लो। इट्स सो सिंपल ज़ैन। और हाँ, अगर तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया है तो मैं नहीं आ सकूंगी। मोहब्बत में शिकस्तें फास हो जाए तो अपना जनाजा खुद ही अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। कर लो शादी। क्या मतलब? इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की, इजाजत मांगने के लिए की है। जनाजा तैयार है, बोलो तो उठा के कंधे पे रख लो। अभी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। मंगनी का मतलब हाथ की उस उंगली में अंगूठी पहन लेना जिसकी रख सीधा दिल तक जाती है। तुम दिल में नहीं रहोगी, अगर रही तो इसका मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ तो कर लो ना मंगनी, मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हो? जहां बिछड़ने की इतनी रस्में याद कर ली है तुमने, वहां एक मेरी रस्म ही सही। इजाजत दे दोगी तो अगली दफा ये रस्म चलेगी कि जिसने पहले शादी कर ली उससे शादी की इजाजत मांगी जाएगी। उससे इजाजत देनी पड़ेगी जरा। इजाजत है?
इतना फूट फूट के तो तुम बाप के मरने पर भी नहीं रोई थी। पापा। किसका फोन था? फोन किसी का भी नहीं। अगर बहाना समझ नहीं आ रहा तो मैं जरा तुम्हारे माजी में झांकू। बिला वजह तो कोई कुछ नहीं करता और तुम्हारे पास तो बड़ी खतरनाक वजूहत है। देखो तो कैसे मोटे मोटे आंसू बह रहे। नहीं पप्पा, घर पे कोई नहीं था ना तो बाबा की याद आ गई थी मुझे। हाँ कमाल है, जब और कोई बहाना ना मिले तो बाप का नाम तो होता है ना इज्जत बचाने के लिए, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। तुम इतनी तकलीफ में हो, छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर लेती? क्योंकि पप्पो मेरी इज्जत अब इस घर की इज्जत से जुड़ी है। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं तकलीफ उठाऊं। कौन आया था? साथ आया था। साथ? क्यों? मीटिंग थी, वापसी पर से चक्कर लगा ली। अपनी नौकरी पर ध्यान दे, ये क्या कि चौकीदारी करनी शुरू हो गया? पप्पो जिससे आप चौकीदारी कह रही हैं ना, क्या पता उसकी नजर में ये हिफाजत हो और मेरी नजर में क्या है। तुम्हारी केयर के लिए पाल पोस के जवान नहीं किया उसे, मेरे सामने नाराजगी जाहिर करता है और छुप छुप के मिलने आता है।